नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना इलाके के बलराम नगर में लोनी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी शालिनी गुप्ता के कैंप कार्यालय पर अज्ञात लोगों द्वारा हमला किया गया, जिसमें कुछ लोग दीवार कूद कर अंदर घुसे और साथ ही कर्मचारी के साथ मारपीट कर तोड़फोड़ की। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की है। सर, जो ये बलराम नगर स्थित यू मैडम के आवास पर रात अज्ञात हमला वालों ने हमला किया, सर पूरा मामला क्या है? ये थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में बलराम नगर मोहल्ले में यू मैम का आवास है। वहाँ पर कल शाम 6 बजे के करीब कुछ अज्ञात लोग, 5-6 की संख्या बताई जा रही है, जैसा कि हमने भी देखा तो निरीक्षण के दौरान ये पता चला, आके शाम को 6 बजे के करीब मैडम का गेट खटखटाया पीछे से आके, और वहाँ पे 2-3 लोग थे उनके ऑफिस में, उसमें से एक खाना बनाने वाला, एक महेंद्र गुप्ता जी भी थे। तो इन लोगों के साथ उन लोगों ने मारपीट करी, सामान वगैरह फैला दिया, क्षति पहुँचाई। इसमें कड़ी से कड़ी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, बलबाग मारपीट के साथ अन्य धाराओं में, और हम बहुत जल्दी अरेस्टिंग कर लेंगे और बड़ी अच्छी कार्रवाई करेंगे मुलजिमों के खिलाफ। सर, कितने लोग थे वहाँ पर? इसमें नेम्ड FIR में योगिता डेविड नाम की महिला है, जो हार्ट सेंटर प्राइज नाम से इनकी वो ठेकेदारी की संस्था है, और 4-5 और अज्ञात है। मैडम की भी गिरफ्तारी इसमें की जाएगी, योगिता की, और जो 4-5 अज्ञात बदमाश हैं उनकी भी धरपकड़ और चिन्हित करके गिरफ्तारी की जाएगी और बड़ी कार्रवाई की। सर, के विवाद के बारे में कुछ पता चला है, क्या कारण रहा? नहीं, विवाद के हर पहलू पर हम लोग नजर रखे हुए हैं, जानकारी जुटाई जा रही है, विचार करके और कड़ी से कड़ी धाराओं में जो मुकदमा पंजीकृत है उसी में अरेस्टिंग करके कार्रवाई की जाएगी। सर, पहले भी हमला हुआ था, सर इस संबंध में आप क्या कहेंगे?